सोनभद्र से अरविंद तिवारी पत्रकार की खास रिपोर्ट। सपा कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक की अर्थी निकालकर स्वास्थ्य मंत्री पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश में इन दिनों विधानसभा की कार्यवाही चल रही है, वहीं पक्ष विपक्ष में तकरार देखने को भी मिला रहा है। ऐसे में विपक्ष के नेता शिवपाल यादव ने प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की दुर्दशा पर सवाल उठाए थे, वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने उनके बातों का जवाब देते हुए प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सबसे बेहतर बताया था। ऐसे में आज सोनभद्र में सपा कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री पर झूठ बोल प्रदेश की जनता के साथ छल करने का आरोप लगाया। सोनभद्र के रावत्सगंज के स्वर्ण जयंती चौक पर आज समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला सचिव प्रमोद यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक के प्रतीकात्मक पुतले को अर्थी पर लेटाकर जुलूस निकाला और जमकर स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराया। वही जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, वेंटिलेटर, एक्सरे मशीन, दवाइयों की कमी, अल्ट्रासाउंड मशीन, मरीजों के खाना व पीने का साफ पानी के साथ साफ सफाई की दुर्व्यवस्था पर ध्यान आकर्षित कराया। वही समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला सचिव प्रमोद यादव ने कहा कि विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री बड़े बड़े झूठ बोल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री विधानसभा में प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छा बता रहे हैं, जबकि अभी एक हफ्ते पहले ही स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक सोनभद्र आए थे। जिले में बन रहे मेडिकल कॉलेज में जिस तरह की कमियां पाई गई उसके बाद ही CMO रमेश ठाकुर को सस्पेंड किए थे। वही जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन 2 महीने से बंद पड़ी है, वेंटिलेटर नहीं काम कर रहे हैं, एक्सरे करवाने के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। जिला अस्पताल में दलाल हावी है, यहां के डॉक्टरों व दलालों के साथ गांठ की वजह से मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में दलाल ले जाकर भर्ती करा देते हैं। दवाइयों की कमी की वजह से मरीज बाहर से ही दवाइयों को खरीद कर ले आते हैं। जिला अस्पताल में पीने का शुद्ध पानी व मरीजों को मिलने वाले खाने की तो अक्सर शिकायत होती है। जिला अस्पताल में कई विभागों में डॉक्टर नहीं है और स्वास्थ्य मंत्री सदन में खड़े होकर केवल फेंक रहे हैं, साफ झूठ बोलते नजर आ रहे हैं। लिटा दिया है डिस्पेचर में, क्या मामला है? देखिए, विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है, लेकिन हम लोग सोनभद्र की बात करते हैं, आज यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, इसलिए आज स्वास्थ्य मंत्री स्ट्रेचर पर आ गए हैं। आज हम लोगों ने स्ट्रेचर पर पुतला बनाकर स्वास्थ्य विभाग को स्ट्रेचर पर लाकर ये बताने का काम किया, या सोनभद्र में अल्ट्रासाउंड 2 महीने से बंद पड़ा है और CSC PSC पर 4 महीने से अल्ट्रासाउंड लाकर रखा गया है, लेकिन एक भी अल्ट्रासाउंड बंद है, सभी अल्ट्रासाउंड बंद है, केवल बड़ी बड़ी बातें किया जा रहा है। सोनभद्र अति पिछड़ा जिला इलाका आता है, 1 से 1.5 हजार मरीज जिला अस्पताल में जाते हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड पे उनको नंबर दिया जा रहा है 1 से 1.5 महीने का, और गरीब आदमी प्राइवेट अस्पतालों का सहारा ले रहे हैं। बड़े दुख की बात है, इसलिए आज हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जनता की समस्याओं को लेकर, जो ये आज भी जनता है परेशान है, लोग अपना पैसा लगाकर प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि जाग नहीं रहे हैं, आम जनमानस का लगातार शोषण किया जा रहा है, इसलिए आज हम लोग विवश होकर स्टेशन पर सरकार को लाना पड़ा और प्रदर्शन करना पड़ा, स्वास्थ्य मंत्री को लाना पड़ा, और स्वास्थ्य मंत्री को हम लोग सोनभद्र में घुसने नहीं देंगे। आम जनमानस का लगातार शोषण किया जा रहा है, 1.5 हजार रुपए प्राइवेट अस्पतालों में लिया जा रहा है, डिजिटल एक्सरे बंद पड़ा है मिली भगत से जिला अस्पताल के लिए, इसलिए हम लोग आज यहाँ पे शव यात्रा निकाल कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तो कार्रवाई नहीं हटा दिया गया? नहीं, CMO को हटा कहा दिया गया है, CMO को हटाया जा रहा है, लेकिन कागजी तौर पर नहीं दिखाया गया। यहाँ पे CMO आप तैनात करिए, क्यों नहीं CMO तैनात करते हैं? यहाँ पे CMO आए, CMO शायद देखे कि जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड है कि नहीं है, एंटी जो ये नाक कान गला के डॉक्टर नहीं है, बेहोशी के डॉक्टर नहीं है, एक भी डॉक्टर नहीं है, नर्सों की कमी है, जिला अस्पताल भगवान भरोसे चल रहा है। हमको तो लगता है कि स्वास्थ्य विभाग राम नाम सत्य हो गया है, इसलिए ड्रामा सेंटर बंद पड़ा है, समाजवादी सरकार में ड्रामा सेंटर बनाया गया था,
बर्न यूनिट बनाया गया था लेकिन ये बंद पड़ा है। स्वास्थ्य मंत्री 4 बार यहाँ दौरा कर चुके हैं लेकिन एक भी कार्रवाई नहीं हुई है।